नमस्कार दोस्तों, उज्जवल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत से भाइयों का कमेंट था कि सर आप कोई अच्छा सा एक्सटेंशन बोर्ड बताओ ताकि खुद से बना सके और अच्छा का टिकाऊ भी हो, सस्ता भी हो और बहुत बेस्ट भी होना चाहिए हो दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो एक्सटेंशन बोर्ड है दोस्तों, ये इसी टॉपिक पर है दोस्तों कि अच्छा भी हो और लॉन्ग लाइफ के लिए भी बेस्ट हो। तो दोस्तों, ये जो एक्सटेंशन बोर्ड दोस्तों ये बताऊँगा मैं, तो आप कोई भी सा एक्सटेंशन बोर्ड आप बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास चार जो है ये 5-pin सॉकेट है, 4 स्विच है, तो आप इसके जगह जो है आप 2 स्विच भी और 2 5-pin सॉकेट भी ला सकते हैं, 3 स्विच 3 5-pin सॉकेट भी ला सकते हैं, या 5 स्विच 5 5-pin सॉकेट या कुछ भी, एनीवे तो आप ये बना सकते हैं। तो वायरिंग बस सिंपल सा है दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, बस आप ध्यान से देखें और समझें, बस इजी वे में हो जाएगा आपका। तो दोस्तों, आपका तो आप देख रहे हैं कि चार जो है दोस्तों स्विच है, चार जो है प्लग है, ये 5-pin सॉकेट है दोस्तों। इसमें क्या करना है दोस्तों कि इसका स्विचिंग इससे देना है ताकि इसको ऑन करेंगे तो इसमें लाइन आएगा, फिर इसको ऑन करेंगे तो इसमें लाइन आएगा, इसको ऑन करेंगे तो इसमें लाइन आएगा, इसको ऑन करेंगे तो इसमें लाइन आएगा दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, बस आपको करना क्या है दोस्तों, ये जो 5-pin सॉकेट है दोस्तों, ये 5-pin सॉकेट में सबसे पहले तार काट लेना है। तार क्या काटना है दोस्तों, तार तो आप मेरे पास ये मल्टी 1 mm का तार है दोस्तों, एंकर का है, तो मल्टी वायर ही कहीं यूज करें दोस्तों ताकि ज़्यादा बेस्ट हो। इसमें ज़्यादा लोड भी दे देंगे तो आपको इस दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, और बोर्ड का वायरिंग जब भी करें तो मल्टी वायर से ही क्या करें दोस्तों, मल्टी स्टैंड वायर से, ये आपका जो है मतलब स्पार्क वगैरह नहीं मारेगा दोस्तों, बेस्ट रहता है ये तार। तो दोस्तों क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है सबसे फर्स्ट 5-pin सॉकेट का दोस्तों, बस एक जो है दोस्तों, 2 तार आता है इसमें, फेज और न्यूट्रल दोस्तों, 2 तार आता है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर चलता है, कोई भी वर्क करता है बिजली से दोस्तों, तो उसमें फेज और न्यूट्रल आता है दोस्तों, पता होना चाहिए। तो अब क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले कि आपके पास ये चार गो दोस्तों, तो सब में एक एक जो है दोस्तों लाइन है दोस्तों, ये एल लिखा हुआ है यहाँ, यहाँ एल है, यहाँ एन है दोस्तों, तो एल से जो दोस्तों सब में जो है तार काट काट के बराबर से दोस्तों इसको जोड़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से यहाँ तक है और ज़्यादा बड़ा भी तार नहीं होना चाहिए, तो अपने हिसाब से दोस्तों काट ले आप। तो काट के हम पहले इसको जोड़ देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मैंने जो है दोस्तों लाइन में जो दोस्तों सब में जोड़ दिया मैंने, और एक तार जो दोस्तों ये निकाल दिया मैंने मेन तार दोस्तों। आप दूसरा का जैसे 2 तरह का भी तार यूज कर सकते हैं दोस्तों, फिलहाल मेरे पास है नहीं, तो आप जो है एक ही तार से कर रहे हैं दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अब क्या करना है दोस्तों, एक स्टेप तो पूरा हो गया दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, अब न्यूट्रल में दोस्तों स्विचिंग करना है, क्योंकि दोस्तों स्विच दाबेंगे, एक स्विच दाबेंगे तो ना इसमें लाइन आएगा दोस्तों, इसका स्विच में इसमें लाइन आएगा, इसमें इसमें, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करना है दोस्तों, स्विच का तार दोस्तों काट के जो है अब सेट करना है। तो दोस्तों वीडियो पे देखिए पूरा अंत तक। अब दोस्तों क्या हुआ दोस्तों कि आप जो है दोस्तों सबको स्विचिंग कर दी दोस्तों, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ से दोस्तों यहाँ डाले हैं, उसके बाद यहाँ से दोस्तों यहाँ डाले हैं, यहाँ से दोस्तों यहाँ डाले हैं, देखिए दोस्तों ये तार है और इस जगह से यहाँ डाले दोस्तों। तो अब जो दोस्तों ये सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, अब इसको स्विचिंग को दोस्तों ऊपर वाला दोस्तों सबको एक में जोड़ देना है दोस्तों, ये न्यूट्रल हो जाएगा दोस्तों, ये फेस तो हो गया दोस्तों, फेस का तो एक तार निकल गया है, अब इसको डायरेक्ट करते हैं और फिर देखिए। तो दोस्तों इधर ऊपर का भी दोस्तों ये जो है दोस्तों वायरिंग कर दिया मैंने, पूरा को एक बराबर कर दिया दोस्तों, मतलब सब ऊपर में जो है दोस्तों मैंने डाल दिया। अगर आपका 3 स्विच का भी रहेगा दोस्तों तो सेम करना है दोस्तों, बस एक स्टेप कम रहेगा, बाकी सब सेम कनेक्शन रहेगा दोस्तों। तो यहाँ तक जो दोस्तों ये भी कर दिया मैंने, अब क्या करते हैं दोस्तों, अब इससे जो है दोस्तों एक न्यूट्रल जो है दोस्तों हम ले लेते हैं यहाँ से, एक इसको भी मेन बना देते हैं, यानी कि ये जो है मेन तार दोस्तों, एक तार तो ये हो गया दोस्तों, और एक तार दोस्तों यहाँ से निकाल देते हैं। तो दोस्तों ये भी दोस्तों मेन लाइन दोस्तों 2 तार निकाल दिया मैंने, ये हो गया दोस्तों। तो दोस्तों और इसमें अब ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों, बस अभी इसको दोस्तों डब्बा को लगा देते हैं दोस्तों। तो डब्बा लगेगा दोस्तों, तो बस ये छेद इसको थोड़ा दोस्तों आपको छेद करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपके अगर सोल्डिंग आ रहे हैं तो छेद कर सकते हैं, या नहीं तो कोई नुकीला चीज़ से भी आप खुद से छेद कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको छेद करके हम बाहर निकालते हैं और
फिर देखते हैं कि लाइन वगैरह अच्छा से आता है क्या नहीं। तो दोस्तों आपका ये एक्सटेंशन बोर्ड बन के रेडी हो चुका है। दोस्तों आप ये बोर्ड कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, और ये बोर्ड अच्छा लगा कि नहीं लगा दोस्तों जरूर कमेंट करें आप। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस तरह का रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स से जो रिलेटेड वीडियो दोस्तों इस चैनल पे आते रहता है दोस्तों।